खुद को बदलें, जग बदल जाएगा, योग से सारा जीवन सुखमय हो जाएगा। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। धर्मनगरी के चित्रकूट इंटर कॉलेज के विशाल प्रांगण में भी आज योग दिवस मनाया गया। जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने कहा कि 5000 सालों से योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग न केवल आपके शरीर को रोगों से दूर रखता है बल्कि आपके मन को भी शांत रखने का काम करता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से हुई। 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक साथ योग करने की बात कही थी। इसके बाद महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, तभी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अस्तित्व में आया। सदर विधायक चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे कुछ लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहकर बुलाते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। कहा जाता है कि सूर्य के दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने में बहुत लाभकारी होता है। इसी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इस आयोजन में कार्यपालिका और न्यायपालिका के तमाम अफसरों और तमाम नेत्रहीन दिव्यांग छात्राओं समेत हजारों की संख्या में बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों ने हिस्सा लिया और योग की बारीकी और फायदे के बारे में जानकर योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का वचन लिया। सभी लोग योग करते हैं, चाहे दुनिया का कोई देश हो, तो जिसको यूरोप है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो मान्यता दी और आज योग दिवस है। हम लोग आज जैसी के मैदान में उसी परंपरा के और उसी प्रगति के हम लोग सिखा कर रहे हैं। योग हमारे देश की बड़ी प्राचीन विधा है। सबसे पहले इसको पातंजलि ने इसको सरितापति किया, लेकिन योग इसके शुरू से भी था। आप सबको विदित है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारे ऋषियों मनुष्यों ने जो संस्कार हमको दिए हैं उन संस्कारों में योग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम सभी भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक योग की महत्ता को बताने में हम सफल रहे हैं। और आज स्थिति यह है कि 192 देशों ने योग की महत्व को स्वीकार किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको स्वीकार किया और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। सर, अब ये तथ्य स्वतः सिद्ध है कि ये संपूर्ण पैकेज है, छोटा सा एक चीज़ नहीं है। सिर्फ शारीरिक रूप से हम स्वस्थ नहीं होते, इससे मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। जैसा हमारे विधायक जी ने भी कहा, योगा कर्मसु कौशलम, हम जिस कार्य को भी करते हैं, चाहे हम पत्रकारिता करते हो, चाहे हम प्रशासन में हो, चाहे जनसेवा में हो, जिस भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारी जो क्षमता है वो बढ़ती है इससे। तो अब इसका निश्चित रूप से आप सबको भी लाभ लेना चाहिए और हम सबको भी लाभ लेना चाहिए।